Welcome to Blind Tech Information Podcast. सब्सक्राइब करें हमारे Blind Tech Information चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। हमारे पास कमेंट्स आए कुछ, तो उन्होंने कहा, सर हमें ये बताइए कि हम अपने पेटीएम वॉलेट से दूसरे के पेटीएम वॉलेट में पैसे किस प्रकार ट्रांसफ़र करें, है ना। तो ये पेटीएम का पार्ट टू है। पार्ट वन यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके, जिसमें कि हमने बताया था कि आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं ना। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें, है ना। यानी कि अपने पेटीएम वॉलेट से दूसरे के पेटीएम वॉलेट में पैसे आप कैसे ट्रांसफ़र करें। ज़्यादा जानने के लिए वीडियो को करें कंटिन्यू, और जो लोग जानते हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। आगे यूनिक वीडियो की लिस्ट पड़ी हुई है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक से वीडियो रेकमेंड होती है। तो मैं हूं आप सभी लोगों को दोस्त विकास चौधरी। आइए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और मैं करूंगा अपने पेटीएम को ओपन। आप भी अपने पेटीएम को ओपन कीजिए। ऐप स्क्रीन पेज 1 ऑफ 2। तो मैंने पेटीएम को अपने ओपन किया और देखते हैं क्या ऑप्शन है। अभी हम यहाँ से सिंपली राइट स्वाइप करेंगे। दोस्तों, यदि बैकग्राउंड शोर आ रहा हो तो सॉरी, आई एम सॉरी, है ना। और आना है, read messages button, है ना। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, है ना। बट आपको ऑप्शन चूज करना है पे एनी क्यूआर कोड, है ना। स्कैन क्यूआर एंड पे, ये आपको जस्ट आपके होम बटन के ऊपर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। Scan QR and pay. इस पे आपको डबल टैप करना है, और इस पे आप जैसे ही डबल टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, है ना। तो ये इंटरफेस आ चुका है, और हमको एक नीचे ऑप्शन मिलता है होम बटन के ऊपर। स्क्रॉल बाय टच से ढूंढेंगे हम लोग, स्वाइप से भी ढूंढ सकते हो, है ना। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है वो? Enter mobile number or name. Enter mobile number और नेम, इस पे हमें टैप करना है ना। तो इस पे हमने डबल टैप किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आया है। तो अब हम Enter mobile number or name text box. यहाँ से आप अपने कॉन्टेक्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। Button. है ना। और मैं लेकिन यहाँ पे नंबर डालूंगा। Enter mobile number or name text. यहाँ मैं डालता हूँ 8 8 5 9 8 6 8 5 2 8. तो दोस्तों, इसको हमने डाल लिया। अब हम इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड, इस पे हमने डबल टैप किया। अब देखते हैं क्या ऑप्शन है आगे, है ना। इसको ओपन होने देंगे, और ये ओपन होके आ चुका है ना। अब हमको पे वाला ऑप्शन सिंपली चूज करना है। I'm Prakash plus 91885. Verified name. I'm Prakash. On paper since March. Button. Wipe down. Pay button. Pay button. तो इस पे हमको डबल टैप करना है। ये पे बटन पे मैंने जैसे ही डबल टैप किया, अब देखते हैं क्या ऑप्शन है। Zero text box. यहाँ दिखा रहा है जीरो टेक्स्ट बॉक्स, है ना। इस पर हम डबल टैप करेंगे पहले, ठीक है। इस पर डबल टैप करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना अमाउंट एंटर कर लूँगा, है ना। जैसे कि मुझे ज़्यादा ट्रांसफ़र करना नहीं, क्योंकि मेरे वॉलेट में ज़्यादा पैसा नहीं, मात्र 2 रुपये पड़े होंगे वॉलेट में। बाकी मैं अपने पेटीएम बैंक में ही रखता हूँ, तो मैं 2 रुपये अमाउंट एंटर करूँगा। यहाँ पर दोस्तों मेरा कीपैड काम नहीं कर रहा, बट मैं आपको एग्जाम्पल पहले दे देता हूँ ना। जैसे कि आपने यहाँ पर अमाउंट चूज किया, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा है। From. जब आप राइट स्वाइप करते हुए आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम, एक मिलेगा बटन, दूसरा आपको ऑप्शन, थर्ड आपका ऑप्शन मिलेगा पेटीएम बैंक का, है ना। या फिर आपने कोई अदर बैंक इसमें कनेक्ट कर रखी होगी तो वो दिखाई देगी, है ना, यदि आप अदर किसी बैंक का यूज करते होंगे तो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ये हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें कि पेटीएम बैंक दिखाया गया है, पेटीएम वॉलेट दिखाया गया है, और यदि आपने कोई अदर बैंक जोड़ रखी है तो वो भी दिखाएगा। देखेंगे तो ये दोस्तों
मेरा ऑलरेडी से चेक है, ये बोल रहा है नो रेडियो बटन चेक है ना, और देखेंगे तो ये अनचेक है ना, तो इसको हम चेक करेंगे। ये मैंने पेटीएम वॉलेट को चेक किया है ना, अब देखेंगे hey. अब ये सिंपली हमको पे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमको डबल टैप कर देना है ना hey. इस पर हम जैसे ही डबल टैप करेंगे और फिर हमको फिर आपको पे यूरा पेमेंट मिलेगा, इस पर आपको डबल टैप कर देना है, आपका पैसा पे हो जाएगा है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा जरूर, अपने कमेंट बरकरार रखिएगा हमारे साथ है ना। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।